जो सफेद स्टॉल डाले हुए हाथ जोड़े, हाँ खड़ी हो जाइए बहन जी, हाथ में पॉलीथिन लिए, वो आ रही हैं पॉलीथिन लेकर के, जल्दी आओ बहन। सबसे लास्ट में पांचवी डी के बाद एक अर्जी स्वीकार हुई है, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी आप दरबार में आ जाइए, यहां मंच के पास में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, लास्ट में जो खड़े हैं। हाँ किसको बुलाया था अभी, सब लोग मन में सीताराम जपो, खूब जपो, जितना हो सके उतना जपो, जाप से ही बालाजी की कृपा होनी है। आओ बहन, देखो हम तो मार्गदर्शन देंगे, रास्ता बताएंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। किसको चलना पड़ेगा? आपको ही चलना पड़ेगा। हम कोई भगवान नहीं है कि तुमने कहो कि महाराज नौकरी लग जाए तो जेब में से निकाल के नौकरी दे दें, कर्म आपको करना पड़ेगा। बहन सीताराम माइक लो, कहां से हैं बहन? हम लोग नोएडा से हैं। नोएडा से हैं हम लोग। दिल्ली नोएडा? हाँ जी। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चे के टूर्नामेंट के लिए आए थे। ओ, बस बस खुश रहो भैया, भैया जुग जुग जियो, उठ बैठो राजा, भैया उठ बैठो, अरे रोते नहीं है, देखो धन्य हो गए आपको देख के, बालाजी की दया, रोते नहीं है, भगवान की देखो कितनी दया हो गई कि उन्होंने बुला, चुप हो जाओ, आ जाओ नजदीक आ जाओ। मुंबई कब आए थे? सपने में हम दिव्य दरबार में बुला रहे थे। हाँ। तो देखो आपका सपना हकीकत हो गया। अभी कभी धाम नहीं गए? धाम जा चुके हम लोग हैं। हाँ, एक बार गए हैं। मिले हैं हमसे? नहीं। अच्छा, वहाँ बहुत समुदाय रहता ना? हमने सोचा था कि बहुत अच्छे से दर्शनों में, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा। नजदीक आओ, बोलो प्रश्न पूछो। आपको सब पता है, बालाजी को सब पता है, फिर भी पूछो। क्या नाम है? क्रिश जी। और पूछो। जॉब का है? पढ़े लिखे हो ना आप, तो हिंदी तो आती है, नजदीक आ जाओ जरा। बहुत हैरान है, जॉब से सभी प्रकार से असफल हो रहे हैं, स्थिर नहीं है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, चिंता ना करें, स्थिर होगी। कृष नामक बालक क्रिकेट उन्नति करेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, पक्का है, आशीर्वाद है। यही लिखा? आप तो हिंदी पढ़ पा रहे हैं, एकदम सही लिखा है, समझ में आ रहा है पूरी बात? हाँ, ये क्रिकेट मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जो है उन्नति होगी, पेशी करो धाम की। जी जी जी, विचलित हो जाता है बीच में। हाँ हाँ हाँ, ये बैट वाला, ये वाला वो चिड़िया वाला, दोनों में बालाजी कृपा कर देंगे। अभी विचलित ना करने दो, हम एक मिनट रुकना। स्थिर जॉब में रुकावट बार बार लग जाती है, बीच बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बन जाता है और आर्थिक तंगी भी बहुत बनी हुई है, और साथ ही साथ बालाजी की कृपा को प्रत्यक्ष रूप से पाना चाहते हैं। पितृ दोष तो नहीं है, आपने ये भी पूछना चाहा है, या कोई शक्ति तो नहीं है, ये भी आपने पूछना चाहा है। ऐसी कोई तंत्र विद्या या शक्ति नहीं है, ना कोई भी पितृ दोष है, बिल्कुल मत घबराएं, आपका बालक नाम रोशन करेगा करेगा करेगा, विचलित नहीं होगा। और आप भक्त परिवार हैं ठाकुर जी के, बहुत ज्यादा उनकी कृपा बनी रहेगी, जाओ आशीर्वाद है।
एक फोटो दिखाना चाहते हैं आप जिसमें हाथ बना हुआ है? माइक ले लो, माइक ले लो। हम आओ भाई, भाई बहुत खतरनाक है। ये बरद हस्त है, हमने आगे भी बातें लिखी हैं, तीन लाइनें लिख दी हैं। उन्नति करेंगे, पक्का होगा, कोई भी रोग नहीं रहेगा। हाथ जो बना वो बालाजी का आशीर्वाद है, जिसका चित्र लेकर आए हैं आप। माइक ले लीजिए हाथ में। बालक खेल खेलेगा, बढ़ेगा और आगे फॉरेनर विदेश यात्रा, फॉरेन का यात्रा का भी योग है, पर अभी नहीं है। अभी पहले बालक को स्थिर करना है, जिसको लेकर के विचलित हैं। बालक स्थिर होगा, उसकी चिंता आज से हम पर छोड़िएगा। जाओ, अब तुम तो खुशी होकर के जाओ। ये विचलित क्या नाम बताया? कृष्ण। हाँ कृष्ण, एक मंत्र है तुम्हारे लिए। क्यों है तुम्हारे लिए मंत्र ये बताओ? इसी से तुम्हारी अर्जी लगी है, ये तुम्हारी माताजी का मंत्र है, ये बहुत भजन करती हैं इस मंत्र का। और मंत्र तो कोई किसी को बताता नहीं है, मान लो ये चीजें तो तुमने बता दी होगी। मंत्र तो गुप्त रखते हैं, पासवर्ड और मंत्र। हमने मंत्र लिख दिया है, ये तुम्हारा ही मंत्र है ना? जा खुश हो। कितना पाठ करते? देखो हम जो देख पा रहे हैं, तुम्हारे मस्तक पर चंदन जैसा भी लगा है। हाँ, निशान बना है, बहुत अच्छा। तुम प्रणाम करो अच्छे से, सिर रख कर करो। खुश रहो, बालाजी बहुत कृपा करें। जाओ तुम खेलो, तुम्हारा मन विचलित ना हो, और जल्दी ये हॉपलेस भी हो जाता है। आओ, बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। खुश रहो, अब धाम आते रहना, भूलना नहीं। हाओ हाओ, ये अर्जी कार्ड बहन, खुश रहो, धाम तुम आते रहना। हम तुमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने हमसे बिना मिले ही बालाजी को पूर्ण रूप से मान लिया था। हाँ, जाओ जाओ जाओ। कृष्ण बाबू खुश रहो, बस 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 बस, उठो, खुश रहो।